तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पर। तो जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही चुका है, यहाँ पर इस बार काफ़ी दिनों के बाद हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसिंग की क्वालिटी दोनों ही फोन में यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्राइस पॉइंट दोनों ही फोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन जो आपके क्वालिटी फिंगरप्रिंट की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट दोनों ही नई कंपनी ने दावा किया। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। यहाँ पर हम अपने हाथों को गीला करके पानी वाला खेल जैसे हम दिखाते आते हैं उस तरीके से भी परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक की जाएगी। तो इसे जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। सो जैसे कि दोस्तों दोनों ही फोन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कॉन्फिगरेशन है। इसे जानने के लिए मैंने वीडियो चैनल पर अवेलेबल की है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो करने वाले हैं सेंसिंग का क्वालिटी टेस्ट, किस तरह का सेंस क्वालिटी आपको सेंसर जो है दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ दोनों ही में यहाँ पर एलईडी के साथ नोटिफिकेशन जो है फिंगरप्रिंट का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले ऑन स्क्रीन में चेक करेंगे कि दोनों ही फिंगरप्रिंट की जो क्वालिटी है किस में ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है हल्का सा जो है वीवो थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट था। अनदर अगेन एक और बार टेक लेके देखते हैं कि यहाँ पर फिर से कौन सा फ़ोन जो है वो आपको फास्ट सेंसिंग क्वालिटी दे देता है। तो यहाँ पर दोनों लगभग लोग बिल्कुल सिमिलर सा ही टाइम रहा है, यहाँ पर ज़्यादा इतना फर्क देखने को नहीं मिलता। थर्ड टाइम यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं दोनों ही सेंसर क्वालिटी का। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सा ही टाइम लगभग लगभग यहाँ पर ऑन स्क्रीन के अंदर अगर आप यहाँ पर सेंसिंग क्वालिटी को टच करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सा ही टाइमिंग आपको देखने को मिलता है। कभी वीवो थोड़ा सा फास्ट है, कभी यहाँ पर ओप्पो आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल जाएगा। सो जैसे कि ऑफ स्क्रीन में यहाँ पर काफ़ी फास्ट तरीके से सेंसर आपको देखने जाते हैं और यहाँ पर जो है ऑफ स्क्रीन के अंदर भी अगर अपने फिंगर को सेंस जैसे ही आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड यहाँ पर भी आपको सेंसिंग की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। वन मोर टाइम एक और बार हम चेक कर लेते हैं दोनों ही सेंसर क्वालिटी को। तो ओप्पो हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन वीवो जो है वो काफ़ी ही नॉर्मल और स्मूथ तरीके से आपका फ़ोन जो है अनलॉक करके दे देता है। अब यहाँ पर जो है हमारा हमेशा की तरह से जिस चीज़ से हम यहाँ पर खेल करते आ रहे हैं वो हमारी पानी की कटोरी, और इसी का यूज़ करके अपने हाथों को गीला करके यहाँ पर जो है हम दोनों ही फ़ोन का सेंसर यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई दिक्कत तो आपको देखने को नहीं मिलती। चलिए दोस्तों जैसा कि दोनों ही फ़ोन को हम यहाँ पर ऑन स्क्रीन कर अपने फिंगर्स को गीला करके चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर इनमें ये चीज़ यहाँ पर अच्छी चलती कि नहीं चलती। जैसे मैंने फ़ोन को यहाँ पर पानी में फिंगर को टैप कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही फिंगर यहाँ पर गीले हैं। तो यहाँ पर मैं इनके एक और बार ऑन स्क्रीन करके आपको शो कर देता हूँ। लग यहाँ पर प्रेस करते हैं वीवो यहाँ पर थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सेकंड टाइम वापस हम इसको फिनिश करके एक और बार चेकआउट करते हैं कि यहाँ पर फिर से कौन सा आपको क्वालिटी बेस्ट मिलने वाला है। वन टाइम एक और बार इसको गीला करते हैं फिंगर्स को, फिर चेकआउट करते हैं यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम इसको टैप करते हैं वीवो थोड़ा सा यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट किया है। एक और बार हम लास्ट टाइम एक और चेक करेंगे, फिर यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। टाइम यहाँ पर एक और बार चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा सेंसर क्वालिटी आपको बेस्ट मिलता है, क्योंकि एक तरफ एमोलेड है इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा सा चांस जो है आपको दिख रहा होगा डिफरेंस का, एक तरफ सुपर एमोलेड भी है। तो लास्ट टाइम तो वीवो यहाँ पर पानी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लेकिन ओप्पो ने तीनों टाइम पर वन टाइम में अपना अनलॉक किया है फ़ोन को, क्योंकि एक तरफ आपको एमोलेड और ये जो प्राइस पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी जो क्वालिटी बेटर है वो आपको रेनो 5 प्रो में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऑफ स्क्रीन पे दोनों ही फोन में काफ़ी बढ़िया सेंसिंग क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों एक वाटर ड्रॉप करके भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं, लास्ट टाइम वो भी हम करके देखेंगे कि उस चीज़ में यहाँ पर कौन सा सेंसर क्वालिटी आपको बेस्ट मिलता है। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन की मैं टैप कर देता हूँ पानी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की सेंसर क्वालिटी में पानी टैप कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस में बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपने हाथ फिनिश कर रहा हूँ आपके सामने, फिर हम चेक करेंगे कि इसमें पानी ड्रॉप आउट है, देखते हैं दोनों ही फ़ोन में। तो जैसे कि दोस्तों रेनो 5 प्रो जो है काफ़ी बेस्ट हमारे सामने यहाँ पर एग्जाम्पल है सेंसिंग क्वालिटी को, क्योंकि यहाँ पर वाटर के साथ हर टाइम इसने अनलॉक किया, लेकिन वीवो में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं लास्ट टाइम पे यहाँ पर आपके सामने देखने को मिला है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको पानी के साथ प्रॉब्लम देखने को वीवो के फ़ोन में देखने को मिलेगी। लेकिन ओप्पो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस पॉइंट हाई है और चीज़ें थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि सुपर एमोलेड क्वालिटी भी डिस्प्ले की है, इसलिए यहाँ पर बेटर फील और बेटर परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपकी क्या राय है दोनों फोन को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का अपडेट आपसे मिस ना हो।